हरियाणा में स्कूल बस हादसों पर अंकुश लगाने के लिए अंबाला में सुरक्षित वाहन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अंबाला के प्राइवेट स्कूलों के बस ड्राइवर, कंडक्टर और बस में मौजूद रहने वाले अटेंडेंट शामिल हुए। इस कार्यशाला में हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जिन्होंने कार्यशाला में शामिल हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार भविष्य में ड्राइवरों का नाम बदलकर सारथी करने पर भी विचार कर रही है, क्योंकि बच्चों को सुरक्षित स्कूल और घर पहुंचाने वाले ड्राइवर किसी सारथी से कम नहीं है। देखिए, आज HPCA और सोहोदया ने मिलकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक बहुत अनूठा प्रयास, जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के नाते, जो बच्चों की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनके पास है, उनके लिए एक ट्रेनिंग कैंप का जो आयोजन किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देता हूं। और एक अनूठी पहल है, सबको इससे सीखना भी चाहिए और मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा फायदा भविष्य के अंदर होने वाला है। सर, हरियाणा सरकार ने एक पहल और की है, आप गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद स्कूलों में बोला। बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है हरियाणा के सरकारी स्कूलों के लिए और सभी स्कूलों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री ने लिया है। अब जय हिंद जो है गुड मॉर्निंग की जगह बोला जाएगा और ये एक राष्ट्र भावना जो है उससे आती है। हाँ, वो आगे प्रपोजल है जी, उसको हम लेकर आएंगे।